अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपको पता है कि आज मैंने आपको क्या पढ़ाना है? आज मैंने आपको खे और खे की लिखाई सिखानी है। आपको पता है कि हे और खे कौन होते हैं? हे और खे हरूफे तहजीब के दूसरे खानदान के तीसरे और चौथे हर्फ दोस्त हैं और ये जीन के फैमिली मेंबर्स हैं। चले आइए आज हम जीन के खानदान को मुकम्मल करते हैं। मैं आपको जीन से शुरू करवाऊंगी। ये है जीन और इसकी शक्ल तो जग के जैसी है। इसके पेट में एक नुक्ता होता है। जीन के पेट में एक नुक्ता होता है। और आपको पता है कि जीन की आवाज क्या होती है? जीन की आवाज जीन ज जग होती है। ज जग और जीन की शक्ल भी तो ज जग के जैसी है। आपको पता है कि जीन ज से शुरू होने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? मैं आपको बताती हूँ कि जीन से शुरू होने वाली चीजों के नाम क्या हैं। जीन ज जहाज, जीन से ज जानवर, जीन से ज जंगल, जीन से ज जूते और जीन से तो ज जाला भी तो होता है। अब हम जीन के दोस्त से मिलेंगे और जीन का दोस्त चे है और इसकी शक्ल जीन के जैसी है लेकिन इसके पेट में तीन नुक्ते होते हैं। और आपको पता है कि जीन के पेट में तो सिर्फ एक नुक्ता होता है लेकिन चे के पेट में तीन नुक्ते होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको चे की आवाज आती है? चे की आवाज च होती है। चे की आवाज च होती है और चे से च चाबी होता है। अब मुझे कौन बताएगा कि चे से शुरू होने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? चले आइए सब बच्चे मेरे साथ उन चीजों की दोहराई करें। चे से च चांद होता है। चे से च चप्पल भी तो होती है। चे से च चिड़िया होती है। चे से च चूजे होते हैं और चे से च चीकू भी तो खाते हैं। शाबाश, अब हम जीन के दूसरे दोस्त से मिलते हैं और वो है हे। प्यारे बच्चों, ये तो जीन के जैसा है। इसकी शक्ल तो जीन के जैसी है लेकिन इसका पेट तो खाली है। इसके पेट में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये भूखा है और ये हलवा खाएगा। आपको पता है कि हे की आवाज क्या होती है? हे की आवाज ह हलवा होती है और ये हलवा खाएगा क्योंकि इसके पेट में कुछ भी नहीं है। अब मुझे कौन बताएगा कि हे से शुरू होने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? हे से ह हलवा होता है। हे से तो ह हवेली भी होती है। हे से ह हिजाम भी होता है। अब हम जीन के तीसरे दोस्त से मिलेंगे और वो है खे। जीन का तीसरा दोस्त खे है।
और इसके पेट में भी कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, खे के ऊपर एक नुक्ता होता है, ठीक है। और खे की आवाज ख होती है, खे की आवाज ख, और खे से शुरू होने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? खे से ख खरगोश होता है, खे से ख खरबूजा भी होता है ना प्यारे बच्चों? खे से ख खरगोश बनता है। अब हम हे और खे की लिखाई सीखेंगे। ये है हे, और प्यारे बच्चों हे की आवाज क्या होती है? ह। हे की आवाज ह होती है। अब मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे हे कहाँ पे है? शाबाश, हे तो आखिर पे लिखा हुआ है, सुबह के आखिर पे हे लिखा हुआ है और जिना के आखिर पे हे लिखा हुआ है। वेरी गुड। अब हम हे की लिखाई सीखते हैं। पेंसिल को सीधी लाइन लगाएं और फिर नीचे की तरफ इसको गुलाई दे दें। शाबाश। पेंसिल को सीधे लेके लाइन लगाएं और फिर नीचे की तरफ इसे गोल करते हुए ऊपर ले आए। पहले इसको सीधी लाइन लगाएं और फिर नीचे की तरफ इसको गोल करते हैं और इसकी शक्ल तो जीन के जैसी बन जाएगी, लेकिन इसके पेट में कोई नुक्ता नहीं होगा। अब हम खे को लिखना सीखते हैं, और खे भी जीन के जैसा है, लेकिन जीन के पेट में नुक्ता होता है और खे के ऊपर नुक्ता होगा। ये है खे ख खरगोश, और नीचे है खे ख खत। अब मुझे कौन कौन बताएगा कि यहाँ पे खे कहाँ लिखा हुआ है? शाबाश, खे तो शुरू में लिखा हुआ है, ये तो सबको आता है। शाबाश। अब हम खे की लिखाई को सीखते हैं। ये तो जीन की तरह लिखा हुआ है। पहले सीधी लाइन लगाएं और फिर नीचे की तरफ इसको गुलाई दे दें और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। अब सब बच्चे इसको खुद लिखना सीखें। प्यारे बच्चों, इसको जीन की तरह लिखना है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता होता है और जीन के पेट में एक नुक्ता होता है, लेकिन इसको आपने लिखना जीन की तरह है। पहले ऊपर से सीधी लाइन लगाएं और फिर नीचे की तरफ इसको गोल करते हुए गुलाई दे दें और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। अब सब बच्चे इसको अपनी अपनी वर्कबुक पे लिखना सीखें। अपनी उर्दू की वर्कबुक को ओपन करें, उसका सफा नंबर 21 खोलें और यहाँ पे हे की लिखाई करें। प्यारे बच्चों, आपने डेट और डे लिखना नहीं भूलना, और यहाँ पे जमात का काम लिखना है। शाबाश। यहाँ हमें हे से बनी हुई कुछ चीजें नजर आ रही हैं। हे से ह हिजाम है, हे से ह हुक्का होता है। अब अपना सफा नंबर 22 खोलिए।
और यहाँ पे खे की लिखाई को लिखना सीखें। यहाँ खे से बनी हुई कुछ चीजें नजर आ रही हैं। चले आइए उसको मेरे साथ पढ़ना सीखें। खे से ख खरगोश होता है, खे से ख खेमा होता है, और खे से ख खरबूजा भी तो खाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इसके ऊपर भी डेट और डे लिखना नहीं भूलना, और ये आपका जमात का काम है। अब नीचे खे की लिखाई करें और अपने अपने घरों में खे और खे से शुरू होने वाली चीजों को तलाश करें। उम्मीद है कि आपको आज का सबक पसंद आया होगा। Next time. Take care.